नगर न्यू गांधीनगर उज्वल नगर एजल अफ्शन फटान कैफ जाकीर पश्चापुरी वली सहयद इवर मकलन बीदी नायी कच्ची गंभीर स्थिति उंटुमाड़ा ओर्व हुड़गन स्थिति गंभीर इनिब हुड़गर चिकित्से पड़ता एमूर नगर नायी काट हेच्चागिद्दु नायी हिड़ियुवंते महानगर पालिकेगे नगर जनरु मनवि माडिद्दारे अल्लदे मक्कळ आस्पत्रे खर्चु महानगर पालिके हागू वैद्यरे नोडिकोळ्ळुवंते आग्रहिसिद्दारे ई बग्गे मक्सूद मकानदार मातनाडिद्रु अस्सलामु अलैकुम मैं मक्सूद मकानदार आज जो हमारा यहाँ प्रेस मीट का ताल्लुक है कि हाल ही में हमारे बेलगाम सिटी में न्यू गांधीनगर उज्ज्वल नगर अमल नगर कई तरह के कुत्ते जो है हर एक बार किसको किसको चाबना हर एक बार एट ए टाइम एक बार 14 लोगों को चाबे एक बार 7 लोगों को चाबे हाल ही एक 3-4 महीने में कंटिन्यूसली इशू हो रहे हैं। इसके ताल्लुक से कारपोरेशन को कई बार मेमोरेंडम दिए गए हैं, कई बार फोन लगाकर कंप्लेंट दिया हुआ है, कई बार अपो कारपोरेशन के जो भी लीडर्स है यानी कि यहाँ के जो भी जीत कर आए हुए हमारे कारपोरेटर्स है यहाँ के एमएलए साहब है उन तक भी कई बार क्या है एक रेगुलर तौर पर फोन लगाकर बोलना उनसे जाकर जिनको चाबा है उन्होंने जाकर फरमाइश करना ये सब चीजें रिक्वेस्ट कर भी क्या है हाल ही में एक दो दिन पहले एक बच्चों को ऐसे इस तरह बुरी तरह से डॉग अटैक कर है एक तो बच्चे की सीरियस कंडीशंस में है उसका एक पूरा कल्ला पूरा काट कर कल्ला यहाँ तक कि स्टिचेस डालने की भी क्या है काबिलियत में नहीं है और अगर डॉक्टर ये राय दे रहे हैं कि उसके कल्ले को जो भी इश्यूज होकर है वो उसका क्या है प्लास्टर सर्जरी करना पड़ेगा ये भी बोल रहे हैं और जो उसको दिमाग पास होकर है जो सिर में काट कर है वो 3 इंच अंदर जाकर है 3 इंच जो जख्म है वो अंदर जाकर है डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि इंजेक्शन करने के बाद भी ये जख्म का इन्फेक्शन है बढ़ेगा या कम होगा इसकी गारंटी भी हम नहीं दे सकते तो ऐसी सब क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी हमारे कारपोरेटर्स जो जिता कर लाए हैं अवाम जो यहाँ आकर है इनको वोट डालने के बाद हमारी जो कंप्लेंट लेके जाने के बाद भी वो केयरलेस कर रहे तो इसके जिम्मेदार कारपोरेटर्स है या हमारे यहाँ की जो बेलगाम के हमें कारपोरेशन को मेमोरेंडम देने आए थे कमिश्नर चीफ ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार है या हेल्थ ऑफिसर उसके जिम्मेदार है वो बच्चे 3 दिन से हॉस्पिटल में अभी तक बच्चों का जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है अभी तक भी आकर उनको विजिट नहीं कर रहे हैं अभी तक भी हायर ऑफिसर्स आकर उनको विजिट नहीं करे ये पूरी गलती कोताही किसकी है या फिर आवाम उसके वस्ते जद्दोजहद नहीं कर रही या तो प्रोटेस्ट नहीं कर रही या तो फिर जो हमारे लीडर जीत कर आकर है कारपोरेटर जो भी है या तो उन्होंने बच्चों के लिए कुछ भी ये चीज नहीं कर रहे कोई कारपोरेटर भी नहीं है कोई कारपोरेटर भी अभी तक नहीं एक बार सुनने है कि एक कारपोरेटर आकर उनको विजिट कर गए थे उसके बाद में बच्चे का वो उनके वालिद साहब की वो हालत भी नहीं है उनका उतनी सैलरी भी नहीं है कि वो बच्चे का इलाज कर सके गवर्नमेंट की तरफ से हमारा वालिद है उनका ये भी नहीं है कि वो उतना बच्चों के वास्ते ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करे वो साथ ही साथ देखा जाए तो उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है एक दांत लगे तो 10,000 रुपए मैं अजी जाना है कारपोरेशन से डिमांड करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चे का जो भी इलाज का खर्चा है उसे हायर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर वो बच्चे का जो भी मुआवजा है जो भी इसका खर्चा है पूरा कारपोरेटर उठा कर दे और उसके फैमिली का जो भी उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई करे जल्द से जल्द करे बच्चे की उम्र के बच्चे के ऊपर जो भी होने वाला है एक 4 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है हाल ही में ऐसे इश्यूज हमारे बेलगाम सिटी हो या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हो बहुत तरह से देखे जा रहे हैं इस पे सख्त से सख्त कारपोरेशन जो है जिम्मेदारी और ऐतिहासिक कदम उठाए अगर ये बच्चे का जो भी इश्यूज क्लियर नहीं होगा तो हम जुमेरात के दिन वापस डीसी ऑफिस के सब बड़े पैमाने पे ऐलानत करके क्या प्रोटेस्ट करेंगे आज इस मुकदमे पे आज प्रेस मीट देने की वजह ये हुई कि यहाँ पे आज इलेक्शन ड्यूटी की वजह से पूरे जो ऑफिसर्स है वो इलेक्शन के ड्यूटी में लगे है कर हम छोटी सी प्रेस मीट कर ये जो हमारा प्रोग्राम है यहीं पे खत्म कर रहे हैं लेकिन कारपोरेशन भी इस बात का ख्याल रखे कि ऐसे इश्यूज के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेकर टेक ओवर कर काम करे ये सिर्फ कुत्तों का इशू नहीं हर एक इशू है कचरे का इशू है हर एक डिमांड है हमारी आज सिर्फ जो कुत्ते के लिए हम आकर है जो बच्चे के लिए भी जो हादसा होकर है ये बहुत गंभीर हादसा है बेलगाम सिटी दर्दनाक हादसा है एक शर्मनाक है हमारे कारपोरेशन के लिए शर्मनाक है उनके अवस्था ये चीज तो हम ये इस बात के कंडम करते हैं कि वो जल्द से जल्द बच्चों का क्या है वो जल्द से जल्द फिक्र कर बच्चों को मुआवजा अपना ही कर दी महादेव पवार कन्नड़ मा न्यूज नेटवर्क बेलगावी।